खबर है मिर्जापुर से। विंध्याचल कैंप कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी के द्वारा इंदौर से आई बेसिक म्यूनिसिपल वेस्ट वेंचर को विंध्याचल, शिवपुर और कंतित वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु आम जनमानस के बीच स्वच्छता के संबंध में जन जागरूकता और प्रचार प्रसार करने हेतु कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने बताया कि जैसा आप जानते हैं कि बेसिक म्यूनिसिपल वेस्ट वेंचर के साथ पूर्व में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। श्याम सुंदर केसरी ने कहा कि मात्र नगर पालिका परिषद मिर्जापुर कर्मचारियों के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करना कठिन है, जब तक कि आम जनमानस अपने स्तर पे स्वच्छता के संपूर्ण भागीदार नहीं करेंगे। आप सभी अपने अपने स्तर से गली व मोहल्ले को स्वच्छ रखें तथा नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के कर्मचारियों का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। आज गौरतलब है कि इंदौर को नंबर वन स्वच्छता में ले जाने वाली दूषित कंपनी आज मिर्जापुर में भी आई है और अपने प्रकार से उत्तर प्रदेश का पहला नगर पालिका है जहाँ पे इंदौर को नंबर वन ले जाने वाली कंपनी इस प्रोजेक्ट में भी मिर्जापुर में आकर हमारे बीच में काम कर रही है। हमारे ये अपने वैज्ञानिक आधार पर इस प्रकार से वहाँ इन लोगों ने काम किया है, मिर्जापुर में भी काम करेंगे और साथ ही साथ समाज के लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि किस प्रकार से अपने वार्डों को, अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। वो कंपनी अपने अनुसंधान एवं विकास विभाग के साथ मिलकर वैज्ञानिक तरीके से मिर्जापुर को भी नंबर वन बनाने का काम करने का प्रयास करेगी। ये सभी चीजें नगर पालिका कर सकती है लेकिन यात्रा का सबसे आवश्यक तो हमारे सम्मानित नागरिक हैं। नगर पालिका बेसिक से अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे लेकिन नागरिकों के भारत के संविधान में उल्लिखित अपने सामाजिक और मौलिक कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सामाजिक विवेक और जागरूकता के बिना यह कार्य असंभव है। यह जरूरी होगा कि लोग अपना कचरा सड़कों पर नहीं बल्कि डोर टू डोर कलेक्शन यूनिट पर ही डालें। लोग अपने स्थानों को साफ सुथरा रखें, इससे न सिर्फ शहर साफ होगा बल्कि अन्य कई चीजें भी साफ होंगी। नालियां चोक नहीं होंगी, हमारी प्यारी गाय प्लास्टिक और कचरा नहीं खाएगी, मच्छरों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कम करें, नागरिक भावना विकसित करें, मिर्जापुर की छवि को निखारेंगे और गौरवान्वित करेंगे तो हम सब गर्व महसूस कर सकते हैं जैसे इंदौर के लोग महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप लॉजिस्टिक मौद्रिक लागत भी हमारी कम होगी जो नागरिकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने के कारण बच जाएगी। नगर पालिका और सरकार विकासात्मक प्रयासों के लिए अधिक धनराशि खर्च कर सकती है। फ्री वाईफाई सब कुछ जैसे प्रयासों को भी बढ़ाया जा सकता है। माननीय जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है, हमारे नगर के सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि मिर्जापुर को स्वच्छता में नंबर वन लाने के लिए आप सभी का सहयोग नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को मिलता रहे। आप सबसे अनुरोध है कि आप सबके सहयोग से हम मिर्जापुर नगर को एक नई दिशा देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मिर्जापुर नगर भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है, इसके लिए जरूरी हम सबका प्रयास हो। माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास, निश्चित तौर पर उसको प्रासंगिक करके हम लोग अपने शहर को आगे ले जा सकते हैं। और आइए हम सब मिलकर समाज के सभी प्रबुद्धजनों से, सभी माताओं बहनों से, विशेष तौर पर युवाओं से, उन सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हम सबको भी कुछ प्रयास करना होगा, कुछ जागरूकता लानी पड़ेगी, समाज में निकलकर जागरूकता भी फैलाना पड़ेगा। इसके लिए हम सब चिंतन करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा शहर आगे जाएगा।